की थ्योरी पूरी दुनिया में मानी जाती है, फिलोसफी पूरी दुनिया में मानी जाती है, और भारत के जो मूल निवासी और यहीं के जो लोग हैं वो सारे के सारे सम्राट अशोक से पहले ही जो व्यक्ति बुद्ध को नहीं जानता है, नहीं मानता है और ना ही उसका कोई बुद्ध से लेना देना है, ना ही बुद्ध की फिलॉसफी को वो मानता है या समझता है या जानता है, मगर फिर भी अगर वो जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं या जो बुद्ध की विचारधारा को देखने वाले लोग हैं अगर उनके बारे में बात करता है तो जरूर वो निगेटिव बात करेगा, क्योंकि उसका कोई लेना देना तो है नहीं, वो समुदाय का नहीं, कोई मान्यता नहीं, अपना काम करे, अपने समुदाय में करे, अपना काम अपना समुदाय छोड़ के बुद्ध के काम और बुद्ध की फिलॉसफी और बुद्ध के समुदाय में जब टांग अड़ा रहा है तो हर हालत में निगेटिव काम ही करेगा, इस बात को समझ लें। हर हालत में काम बिगाड़ेगा ही, हर हालत में नुकसान पहुंचाएगा, हर हालत में ऐसी ही बात करेगा जिससे कि धर्म को हानि हो। इसकी पहचान बहुत आसान है, क्योंकि 1956 के बाद में जब बाबा साहब अंबेडकर ने धम्म का दोबारा से स्तंभ नागपुर में गाड़ा 10 लाख लोगों के साथ और पूरे देश में एक धम्म की दोबारा से एक ज्वालामुखी फटा, तो जाहिर सी बात है कि जलजला आना ही है, कंपन होनी है, उन लोगों के भी कान खड़े हो गए जिनका धम्म से कोई लेना देना नहीं या जो धम्म से बहुत ज्यादा परेशान है और धम्म को देख नहीं सकते। हालांकि बुद्ध के धम्म में कभी किसी का एक बाल बराबर भी नुकसान के बारे में ना लिखा है ना ही किया है, और धम्म के जानने और मानने वाले कभी किसी का बाल बराबर भी नुकसान की सोचते भी नहीं है, करने की तो बात बहुत दूर की है, फिर भी लोग भारत के अंदर धम्म के पीछे पड़े रहते हैं। ना समझ लोग हैं, बुद्धू लोग हैं, नालायक लोग हैं, मगर आपको सावधान रहना है। तो कैसे पहचानेंगे कोई आदमी, अगर आप धम्म को मानने वाले हैं, धम्म को जानने वाले हैं, तो वो जबरदस्ती आपसे हिलजेगा, जबरदस्ती आपको परेशान करेगा, जबरदस्ती आपके टांग खींचेगा, क्या कहेगा, नव बौद्ध हैं। तो नव बौद्ध क्या होता है, वो कहेंगे नए बौद्ध हैं। अरे नव बौद्ध क्या होता है, क्या तुमको पुराने बौद्धों से डर लगता है, क्या तुमको भारत के जो बहुत प्राचीन बुद्ध लोग हैं, बुद्धि को मानने वाले बुद्धिस्ट लोग हैं, उनसे डर लगता है जो जबरदस्ती इन लोगों को नव बौद्ध कह रहे हो। जब बाबा साहब ने यह बता दिया और इसको प्रमाणित कर दिया कि भारत का सबसे प्राचीन जो फिलॉसफी है, जो ऐतिहासिक है, काल्पनिक नहीं, जो ऐतिहासिक है, वो बुद्ध की है, और बुद्ध की थ्योरी पूरी दुनिया में मानी जाती है, फिलॉसफी पूरी दुनिया में मानी जाती है, और भारत के जो मूल निवासी और यहीं के जो लोग हैं वो सारे के सारे सम्राट अशोक से पहले ही बुद्ध की फिलॉसफी में जा चुके थे, क्योंकि उस समय यही फिलॉसफी सबसे अच्छी थी और यही दर्शन सबसे बढ़िया था, यही बात सबसे अच्छी थी, इसलिए ईरान से लेके और बर्मा तक सब लोगों ने सम्राट अशोक के समय में ये फिलॉसफी अडॉप्ट की। पूरे भारत में इसके अलावा कोई और था भी नहीं। जो छोटे मोटे कोई मत लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे वो बना नहीं पाए, क्योंकि अगर वो बनाते तो वो चलती, कोई थ्योरी बाहर निकल के आती, कोई फिलॉसफी निकल के आती, मगर बच्चों वाली फिलॉसफी रही जो चल नहीं पाई, टिक नहीं पाई जमीन पे। एक बुद्ध की बोधी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल पे आधारित थी, वो तथ्य पे आधारित थी, वो वास्तविकता पे आधारित थी, वो रियलिटी पे बेस्ड थी, इसलिए पूरी दुनिया ने उसको अडॉप्ट किया कि वो साइंटिफिक है, चलती है। तो क्या कहेगा, अरे ये जो नव बौद्ध हैं, अरे नव बौद्ध तो इनको जब कहेगा, जब ये नव बौद्ध बने हो, ये तो बहुत प्राचीन बौद्ध हैं, पुराने हैं, तुम बताओ भाई तुम कौन लोग हो जो नव बौद्ध बोलते हो, तुम अपना बायोडाटा बताओ कि तुम कहां से आए हो, क्यों आए हो, क्या तुम पहले बुद्धिस्ट नहीं थे, इसका मतलब तुम भारत के नहीं हो, अगर तुम भारत के हो, बुद्धिस्ट हो, तो जिनको तुम नव बौद्ध कह रहे हो वो भारत के नहीं है, अगर ये भारत के हैं और तुम भारत के हैं तो तुम इनको नव बौद्ध क्यों कह रहे हो, क्या तुम पुराने बौद्ध हो, तुम्हारा तो बुद्ध से कोई लेना देना है ही नहीं, तुम इनको क्यों कहना चाहते हो, इनके दिमाग में ये बात डालना चाहते हो कि ये नव बौद्ध है। दरअसल किसी को छोटा या बड़ा करने के लिए या नया पुराना करने के लिए या उसको डिमोलाइज करने के लिए ये टेक्निक होती है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत विद्वान है, कुछ है, तो उसको उसकी विद्वता को खींच के पहले एक छोटे से बाड़े में बंद करो। तो क्या कहेंगे, अरे भगवान बुद्ध तो साक्यों के मुनि रहे, साक्य मुनि रहे, साक्य मुनि कब कहा भगवान बुद्ध ने साक्य मुनि है, बाद के कुछ लोगों ने उनको कहा कि वो साक्य जो स्टेट थी वहां से आए, साक्य स्टेट बहुत बड़ा स्टेट था, वहां से वो आए और वहां से आने के बाद में
वो साक्यों के मुनि रहे हैं, साक्यों के। तो साक्य तो तभी शब्द खत्म हो गया जब उन्होंने बोधि प्राप्त की। बोधि होने से पहले साक्य कुल के थे, उसके बाद तो बुद्ध कहते हैं कि अब हमारी परंपरा बुद्ध की परंपरा है, अब हमारा कोई घर नहीं है। जब वो कपिल वस्तु द्वारा जाते हैं, कपिल वस्तु में जब मांग के खाना खाते हैं तो उनके पिता कहते हैं कि तुम्हारे घर में इतना अनाज है, इतना धन है, इतना धान है, तुम्हारे खेतों में 1000 बैल चलते हैं और तुम मांग के खा रहे हो और हमारे पूरे घर को शर्मिंदा कर रहे हो। तो बुद्ध कहते हैं अपने पिता से कि वो घर आपका है, ये जो परंपरा जो मैं कर रहा हूं ये बुद्ध लोगों की परंपरा है, ये बौद्धों की परंपरा है और ये बहुत पुरानी परंपरा है मांग के खाने की, क्योंकि यहां मांग के खाने की परंपरा बहुत पहले से प्राचीन में चली आ रही है जो उन्होंने विपस्ना साधना ध्यान में देखी है। तो वो तो उन्होंने कहा ही नहीं कि भाई ये हमारा कुल है या ये कुल हम साक्य मुनि है, एक सिंगल शब्द नहीं है जो साक्य मुनि का कहीं आया हो। वो भंते बोलते थे, लोग उनको भंते बोलते थे या बुद्ध बोलते थे या भगवान बोलते थे या भगवा बोलते थे, कपड़े उनके भगवा थे इसलिए भगवा बोलते थे, उसका नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि भगवान जैसे कपड़े पहनते थे वो भगवा हो गए। तो ऐसा करके बोलेंगे, कहेंगे कि बुद्ध के बहुत सारे टुकड़े हैं, बहुत सारे विचारधाराएं खींच के लाएंगे, यानी कि झगड़े की बात उठाएगा। जो बुद्ध को नहीं मानेगा वो हमेशा झगड़े की बात उठाएगा, कहेगा बुद्ध के इतने टुकड़े, उतने टुकड़े, उतने टुकड़े, ये समुदाय, वो समुदाय, ऐसा समुदाय। अरे भाई बुद्ध तो एक है ना। अगर समुदाय अशोक के समय में मान लो 40 हो गए, 50 हो गए, लोगों ने मांग के खाना शुरू कर दिया, ये अलग अलग बात हो गई, उनका उपवास तो एक है, उनकी फिलॉसफी तो एक है, उनका बुद्ध तो एक है। फिर कहेंगे ये साहित्य और है, वो साहित्य और है, इसमें ये है, इसमें वो है। अरे भाई साहित्य को लिखने वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपने पास में लिखने का रास्ता रखा और बाकी लोगों का रास्ता बंद कर दिया, तो जिसका जो मनाया लिख लिया। मगर भगवान बुद्ध तो कह के गए हैं लिखे पे यकीन मत करना, कोई बताए उस पर यकीन मत करना, मैंने कहा है ऐसा कोई कहे उस पर यकीन मत करना, कोई पढ़ा पढ़ाए बताए, सुना सुना बताए उस पर यकीन मत करना। अरे तो काय पे यकीन करें, साफ साफ तो कहा है भगवान बुद्ध ने, पहले देखना वो चीज मेरे लिए ठीक है, मेरे परिवार के लिए ठीक है, मेरे समुदाय के लिए ठीक है, मेरे मोहल्ले गांव के लिए ठीक है, मेरे आसपास का जो वातावरण है उसके लिए ठीक है, देश के लिए ठीक है और दुनिया के लिए ठीक है, सारे मनुष्य के लिए, जीवों के लिए ठीक है, तो वो चीज ठीक है। तो कितना आसान सा रास्ता बता के गए हैं। अगर किसी ने लिखे हुए को खराब कर दिया है, गड़बड़ कर दिया है, लिखे हुए में कहीं अंतर है, वैसे तो अंतर है नहीं, कोई मामूली सा अंतर किसी ने जानबूझ के किया और उसको कोई पकड़ ले तो अलग बात है। सारा का सारा त्रिपिटक जो मूल चीज है वो साफ साफ बिल्कुल सीधी सीधी सी लिखी पड़ी है, उनमें कोई अंतर नहीं है, और जो मिक्स है वो पता चल जाता है कि ये चीजें हमारी नहीं है, ये खराब करके किसी ने जबरदस्ती लिखी है। बुद्ध को जानना, बुद्ध को मानना बड़ा सिंपल है, खासतौर से बुद्ध ने उपासकों के लिए, यानी आम आदमी के लिए तो कुछ ज्यादा टड्डा बताया नहीं है, सिर्फ पंचशील बताया है। आप पंचशील का पालन कर लो, आपको त्रिपिटक पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। बहुत ज्यादा उपसर्ग करोगे तो आठ शील पढ़ लो, बस आठ शील का पालन कर लो, आपका काम तो खत्म हो गया। बाकी झगड़ा जो है वो भिक्कू कर भिक्कुणियों का है, और उस भिक्कू और भिक्कुणियों के झगड़े में एक असाधारण इंसान को पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला उससे। कहीं ज्ञानी होना है क्या? क्योंकि बुद्ध पे बहस करके आप बुद्ध तो बनोगे नहीं, बुद्ध पे बहस करके बुद्धू ही बनोगे। वैसे बुद्धू बौद्ध को ही कहा गया है बाद में, मगर हम ये मान लेते हैं कि बुद्धि मानना बन के बुद्धिहीन बन जाओगे आप, इसलिए उस पर बहस करने का कोई फायदा है नहीं। मगर जिसको बुद्ध को खराब करना है और जो बुद्ध को बार 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 डिमोलाइज करना चाहता है, छोटा कर करना चाहता है, वो ऐसी बातें निकाल के लेके आएगा, परिवार की बात लेके आएगा, रंग बिरंगी की बात लेके आएगा, अलग अलग तरह की, यानी कमियां ढूंढेगा। ढूंढेगा तो क्या ढूंढेगा, सिर्फ कमी ढूंढेगा। तो जो व्यक्ति कमी ढूंढता है बुद्ध के अंदर, या जो अपने में मिलाने की कोशिश करता है कि देखो बुद्ध ने तो हमारी ही बात कही, हमारी ये बात कही, हमारी ये बात कही और ये बात ऐसे थी, ये बात ऐसे थी, समझ लेना बुद्ध का दुश्मन है, बुद्ध की फिलॉसफी का दुश्मन है। उसको क्या लेना देना जब वो बुद्ध को मानता नहीं, बुद्ध की फिलॉसफी को नहीं मानता, फिर भी बुद्ध की बात करता है, पहला और आखिरा साइन है। जब तुम मानते नहीं, जब तुम बुद्ध को समझते नहीं, तो बुद्ध के बारे में बात करना बंद कर दो, और अगर बात फिर भी करता है तो बुद्ध का दुश्मन है, ये पहली और आखिरी पहचान है। क्योंकि जो बुद्ध के लोग हैं या बोधि को मानने वाले हैं या भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, वो कभी किसी दूसरे के मत के बारे में बात नहीं करते, जरूरत ही नहीं है, उनके पास अपना ही ज्ञान इतना है, इतनी नॉलेज है, उसमें ही जीवन चला जाता है। इसलिए ये सावधानी हमेशा देखते रहे। धन्यवाद।
द्वितीयं पि बुद्धं मे शरणं गच्छामि।